नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हर रोज राशिफल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को जरूर सब्सक्राइब करके बाजू वाले घंटे बटन को जरूर दबाएं, ताकि राशिफल रिलेटेड वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुंभ राशि और तुला राशि, इन दोनों राशियों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, 1000 साल में एक बार बनता है ऐसा संयोग। 2020 में कुंभ और तुला राशि होंगे मालामाल। जी हाँ दोस्तों, 1000 साल में सिर्फ एक बार बनता है इस संयोग से। 2020 में कुंभ राशि के साथ साथ तुला राशि वाले लोग भी मालामाल होने वाले हैं। इस वीडियो में कुछ विषय बातें, जैसे कि किस तरह से कुंभ और तुला राशि होंगे मालामाल, किस तरह से इनकी पॉजिटिव बातें साल भर रहने वाली हैं और नेगेटिव बातें साल भर रहने वाली हैं, उनको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लगातार बदल की ग्रहों की चाल की वजह से मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे और बुरे समय का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष के जानकारों का ऐसा कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की राशि में ग्रहों की स्थिति शुभ है तो इसकी वजह से अच्छे परिणाम मिलते हैं, परंतु इनकी स्थिति ठीक ना होने के कारण बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। किस तरह से होंगे कुंभ राशि वाले लोग मालामाल? कुंभ राशि फल 2020 के अनुसार यह वर्ष आपके आर्थिक परिप्रेक्ष्य में काफी सामान्य रहने की उम्मीद है। इस वर्ष आपको अपने धन के निवेश और खर्च पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 12वें भाव में शनि की स्थिति आपकी बचत पर ग्रहण लगा सकती है और खर्चों में वृद्धि कर सकती है। इसके अतिरिक्त 30 मार्च से लेकर 30 जून के बीच गुरु बृहस्पति का गोचर आपके 12वें भाव में रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी होने के बावजूद खर्चों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो सकती है, जिससे आपका फाइनेंस बिगड़ सकता है। 30 जून से लेकर 20 नवंबर के बीच आप काफी हद तक सुकून महसूस करेंगे, लेकिन 20 नवंबर के बाद भी खर्चे वाली स्थिति बनी रहेगी। इसलिए धन संबंधित कोई भी रिस्क लेने से बचे और धन का निवेश न ही करें तो बेहतर होगा। इस वर्ष आपकी आय नियमित रहेगी, लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। कुंभ राशि 2020 के अनुसार यदि आप किसी प्रकार का निवेश करना ही चाहते हैं तो आपको उस विषय के एक्सपर्ट लोगों से राय लेकर ही ऐसा करना चाहिए, विशेषकर ऐसे लोगों से जिन्हें उस काम का अनुभव हो, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस साल आपको किसी भी प्रकार के अप्रत्याशित खर्चों से सावधान रहना जरूरी है और व्यर्थ के खर्चे भी नहीं करने चाहिए। शेयर, सट्टा बाजार आदि में निवेश करने से प्रति सावधानी बरते। यदि आपका कोई ऐसा व्यवहार है जिसमें आपका संबंध विदेश से है तो आपको लाभ हो सकता है। इसके विपरीत, यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं तो भी आपके लिए लाभ के योग खुलेंगे। मध्य मई से अगस्त के बीच और 17 दिसंबर के बाद आप अच्छे धनलाभ की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा फरवरी का महीना भी आपको अच्छा लाभ देकर जा सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 2020 किस तरह से रहेंगे पॉजिटिव बातें कुंभ राशि के लिए। आपके वरिष्ठ अधिकारी किसी नए प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए आपको भी उस प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं, या आपका नाम आला अधिकारियों के सामने रख सकते हैं। लोग जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते हैं, इस समय जॉब में परिवर्तन करने के लिए कोशिश करते नजर आएंगे। चंद्रमा की स्थिति आपके विचारों में निखार लाएगी और आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए नई योजनाएं बना सकते हैं। छात्रों को शिक्षा में सफलता मिलेगी, आपकी संतान भी आपके प्रति समर्पित नजर आएगी और इस समय आप स्वयं पर धन खर्च कर सकेंगे। आपका दिन घूमने फिरने के बीत सकता है। आप परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं।
इस राशि के व्यापारी वर्ग को अचानक से कोई बड़ा धन लाभ भी हो सकता है, जिससे आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और मजबूत होगी। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे हो सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव ला सकते हैं। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए 108 बार मंत्र ओम श्री हनुमते नमः का जप करें। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं निगेटिव बातें आपके किस तरह से रहने वाली हैं। मानसिक अशांति तथा कामकाज के क्षेत्रों में समस्या उत्पन्न हो सकता है। घर परिवार में सबके साथ आपसी मेलजोल न होने के कारण घर में विवाद उत्पन्न हो सकता है। किसी तरह के आर्थिक तथा अचल संपत्ति को लेकर समस्या उत्पन्न होने की संभावना पाई जाती है। आपको अपने दृष्टिकोण को लेकर स्पष्ट होना चाहिए। घर परिवार में एक दूसरे के प्रति आपसी सामंजस्य बनाए रखना बेहद आवश्यक है। तनाव उत्पन्न होने से कामकाज के क्षेत्र पर पूरा असर पड़ सकता है। माता पिता के साथ मतभेद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों, यह थी पूरे की पूरी कुंभ राशि फल। अब बात करते हैं तुला राशि फल के बारे में। 2020 में तुला राशि वाले लोग किस तरह से होंगे मालामाल। आर्थिक स्थिति किसी भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि वर्तमान युग में अर्थ के द्वारा ही लगभग हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। तुला राशि फल 2020 के अनुसार तुला राशि के लिए वर्ष 2020 सामान्य रहने की संभावना दिखाई देती है। जनवरी से अप्रैल तथा जुलाई से मध्य नवंबर तक का समय आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने वाला सिद्ध होगा, और इस दौरान धन प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए आपके प्रयास सफलता अर्जित करेंगे तथा आप एक से अधिक स्रोतों से आमदनी प्राप्त कर पाने में सफल होंगे। शेष समय आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसलिए अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें और धन का लेन देन भी सोच समझकर ही करें। यदि आपके ऊपर किसी का ऋण बकाया है तो वह इस वर्ष चुकता होने की प्रबल संभावना रहेगी, क्योंकि उपरोक्त समय में आपके पास धनराशि का प्रवाह निरंतर बन सकता है। तुला राशि 2020 के अनुसार इस वर्ष आपके परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न होने से खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए अतिरिक्त ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अप्रैल से जुलाई के मध्य आप कोई प्रॉपर्टी, अपना घर, भूमि अथवा वाहन खरीद सकते हैं। इस वर्ष आप अपने वित्तीय प्रबंधन के प्रति काफी सचेत रहेंगे, फिर भी आपके खर्च और बचत के बीच में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। इसे बेहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्तीय प्रबंध पहले से ही तैयार रखना चाहिए, ताकि प्रतिकूल समय में परेशानियों से बचा जा सके। इस साल वर्ष के उत्तरार्ध में आप दीर्घकालीन निवेश कर सकते हैं, क्योंकि उस दौरान भाग्य का साथ आपको मिलेगा और आप निवेश के रूप में भविष्य के लिए धन का प्रयोग कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं किस तरह से रहेंगे तुला राशि की पॉजिटिव बातें। आप अपने कार्य या व्यापार के संबंध में लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। करियर में उन्नति के योग हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में लगन और परिश्रम से मेहनत करते रहें। संतान पक्ष से संतुष्ट प्राप्त हो सकती है। इस समय आपको सरकारी क्षेत्र या किसी सरकारी कर्मचारी से लाभ होगा। चंद्रमा का गोचर आपके बड़े भाई बहनों को तरक्की दिलाएगा। उनकी सफलता से घर में खुशियां आएगी और आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होगा। इस दौरान आपको भी लाभ प्राप्ति की प्रबल संभावना है। आप अपने निजी प्रयासों से कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। कुछ लोगों से आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा। लवमेट के लिए दिन बढ़िया रहेंगे। थोड़ी मेहनत से आपको बड़े धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं किस तरह से रहेंगे तुला राशि के निगेटिव बातें। घर परिवार में माहौल अच्छा रहे और एक दूसरे के प्रति सबकी सहयोग की भावना उत्पन्न हो, इसके लिए
आपको प्रयास करना आवश्यक है। आप चाहे तो सब ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपके बातों की वैल्यू घर में अच्छी होती है। आपको अपने कर्म क्षेत्र में मन लगा कर कार्य करना होगा। इस दौरान किसी भी आधिकारिक जानकारी को अपने सहकर्मियों से साझा करते वक्त थोड़ा सावधान रहे कि आप उन्हें जो जानकारी दे रहे हैं वह सही हो, क्योंकि गलत सूचना से आपको हानि हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से 1000 साल में एक बार बनता है संयोग, और इसी संयोग से 2020 में कुंभ राशि और तुला राशि वाले लोग होंगे मालामाल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।